एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के एक नए अपडेट के बारे में, जो अपडेट बीएसएनएल के एक प्लान के बारे में होने वाला है। जैसे कि बीएसएनएल में एक प्लान है, जिस प्लान में अब हो सकता है कि आपको जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट कम मिले। तो कौन से प्लान है, कितने रुपये के प्लान है और पहले आपको क्या बेनिफिट मिलता था, अब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, एक एक जानकारी देंगे। तो अगर आप एक बीएसएनएल सिम यूजर हैं तो वीडियो को बिना स्किप ही आखिर तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो कि अगर हम खुद को अपडेट नहीं करते हैं समय के साथ, तो हम जो कि वहीं के वहीं रह जाते हैं, जो कि वैल्यू भी कम हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी की बात करते हैं, तो टेलीकॉम कंपनी में एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल, एमटीएनएल सारी कंपनियाँ हैं, जिनमें जो कि जो जो समय के साथ अपडेट करता गया वो आगे बढ़ता गया और अच्छे जो कि रैंक पे अभी अवेलेबल है। लेकिन जो खुद को अपडेट नहीं कर पाया वो पीछे रह गया। जैसे कि अगर हम बीएसएनएल की बात करें, तो खुद को समय के साथ अपडेट नहीं किया, इसकी वजह से बीएसएनएल अभी पीछे बहुत है। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं एयरटेल से, तो एयरटेल जैसे कि आपको पता है कि एयरटेल जो कि 2G से अपना जो कि स्टार्ट किया था, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, और यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले समय में अपडेट करके जो कि यहाँ पे 6G लेकर के आए एयरटेल। तो यहाँ पे खुद को समय के साथ अपडेट करता गया, जिसकी वजह से जो कि एयरटेल के पास काफ़ी सारे जो कि कस्टमर्स जुड़ते गए। लेकिन यहाँ पे जियो की भी बात करें, तो जियो तो डायरेक्ट 4G लेकर के आया है, लेकिन 4G लाने के साथ भी जो कि समय के साथ अपडेट किया और खुद को जो कि यहाँ पे 5G में कन्वर्ट किया, यानी कि 5G जियो का भी अवेलेबल है, जैसे कि ऑल इंडिया ओवर आपको भी पता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम VI की बात करें, तो VI यानी वोडाफोन आइडिया की बात करें, तो वोडाफोन आइडिया जो कि अपने 2G से ही स्टार्ट किया था, लेकिन 4G पे आके अटक गया है, 4G पे अभी रुका हुआ है। लेकिन BSNL की बात करें, तो BSNL अभी यहाँ पे जो कि 2G से ही स्टार्ट किया था, 3G पे है और 4G काफ़ी जगहों पे जो कि अपडेट कर रहा है। अपडेट के साथ जो भी अपडेट आता है, मैं आपको जो कि वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड भी कर देता हूँ कि यहाँ BSNL 4G आ गया है और वहाँ पर नेटवर्क मिलना शुरू हो गया है। कुछ जो भी अपडेट आता है BSNL की तरफ से, वो अपडेट आपके साथ पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे BSNL का जो प्लान है 99 रुपीज़ का, यानी 99 रुपये वाला प्लान, इस प्लान में अब बहुत जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कि बदलाव हो चुका है, जिससे आपको तो कम बेनिफिट जो कि आपको जो ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा 99 रुपीज़ वाले प्लान में, लेकिन यहाँ पे BSNL को काफ़ी ज़्यादा जो कि फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि अगर 99 के प्लान अगर आप जो कि पहले कराते थे, तो 22 दिन की वैलिडिटी मिलता था, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलता था, इसके अलावा आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं देखने को मिलता था। लेकिन हाँ, आपको 99 रुपीज़ में 22 डेज की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा, फिर इसको जो कि वैलिडिटी को कम करके 18 दिन की वैलिडिटी की गई थी, यानी कि 18 दिन तक आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा BSNL के 99 रुपीज़ वाले प्लान में मिलता था। फिर इसको यहाँ पे जो कि अपडेट किया गया है, अब आपको यहाँ पे जो कि अगर 99 रुपीज़ का प्लान कराते हैं अपने BSNL नंबर पे, तो आपको यहाँ पे वो जो कि मात्र 17 दिन की वैलिडिटी के साथ ही अब आपको यहाँ पे प्लान देखने को मिलेगा, यानी कि 99 रुपये के प्लान में 17 दिन तक आप अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा के लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको फिर से मैं बता दूँ, ना ही मैसेज की सुविधा मिलता है, ना ही डाटा की सुविधा मिलता है, सिर्फ आपको कॉलिंग की सुविधा मिलता है 99 रुपीज़ वाले प्लान में। तो कुछ इस प्रकार से बदलाव हुआ है, जैसे कि आपको तो एक दिन का जो कि कम वैलिडिटी मिलता है, आपको ज़्यादा उतना बेनिफिट जो कि नुकसान नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे BSNL को काफ़ी ज़्यादा जो कि यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है इस प्लान के माध्यम से। तो यहाँ पे अगर हम आपको बता दें कि BSNL शुरू से खुद को अपडेट करता आता, तो अभी भी जो कि यहाँ पे BSNL एक रैंक पे रहता और यहाँ पे जो कि एयरटेल जियो को टक्कर भी दे सकता था, क्योंकि यहाँ पे BSNL का अभी भी जो रिचार्ज प्लान है काफ़ी सस्ते प्लान प्रोवाइड करता है। और हाल ही की बात यह भी है कि BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड या एक जो कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, और सारी जो भी कंपनियां हैं वो सारी जो कि यहाँ पे निजी टेलीकॉम कंपनियां हैं, यानी कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं। तो यहाँ पे BSNL अगर खुद को अपडेट किया होता, तो यहाँ पे BSNL का जो कि काफ़ी रुतबा रहता। तो यहाँ पे खुद को जो कि BSNL टाइम से अपडेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अभी पीछा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि BSNL जो कि आगे भी आए, क्योंकि BSNL खुद को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी जगहों पर BSNL का 4G भी देखने को मिलना शुरू हो चुका है। अगर आपके यहाँ BSNL का 4G देखने को मिलना शुरू हो चुका है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कैसे ही नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।